कपड़े खत्म हो गए गाइस, पूल वाले कपड़े वैसे यहाँ पे मिल तो रहे हैं पर मन नहीं कर रहा उनको पहनने का, क्योंकि थोड़ा मन में ऐसे डाउट आता है, न्यू होते तो पहन लेती। और अभी वेलकम करती हूँ पहले, फिर सारी चीज़ें बताती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज जिम कॉर्बेट में हमारा सेकेंड डे, फर्स्ट डे क्या था आपने देखा ही था, आने में इतने ज्यादा लेट हो गए थे कि नेक्स्ट डे पूरा सोए हैं, कहने को तो ये थर्ड डे है वैसे, है ना? हाँ, लेकिन अभी उठते ही सबको हुआ कि अब पूल में जाना है क्योंकि धूप बहुत अच्छी है यहाँ पे और पूल का पानी, उसको देख लो आपके पीछे से, पूल का पानी थोड़ा गर्म होगा मुझे लपेट देगा इसमें, और मैंने भिनिशन बनाया क्योंकि उन्होंने बोला ये अच्छा लगेगा। तो बस अब मैं पूल में जा रही हूँ और आज फिर दिखाऊंगी जिम कॉर्बेट में यार हम क्या क्या करेंगे। हमने नाइट सफारी का पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं हो सकती, नाइट भी नहीं हो रही है, डे भी नहीं हो रही है, दोनों अभी मॉर्निंग 6 जाना पड़ेगा आपको। हाँ, और जो नाइट में गनमैन घूम रहे थे ना, वो इसीलिए घूम रहे थे क्योंकि यहाँ पे तेंदुआ आ गया है, नहीं मतलब है वहाँ तेंदुआ तो है ही जिम कॉर्बेट में, पर वो ऐसे घूम रहा है बाहर, तो थोड़ा सा उसकी वजह से सेफ्टी पर्पस स्नैक्स के लिए घूम रहा है, कोई भी उसका फ्रेंच फ्राइज और बर्गर बन सकता है। तो भाई मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी मैं सीधा पूल में जा रही हूँ क्योंकि यार यहाँ पे देखो ये जो ये रिजॉर्ट है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इसका पूरा टूर मैं आपको दूंगी लेकिन पूल से आने के बाद, ठीक है? अपना खाना पहले ही लेकर जा रही हूँ, वहाँ पे भूख लग सकती है, और अभी तो मैं आपको थोड़ी सी गोरी गोरी लगूंगी, उसके 2-3 दिन बाद में आपको थोड़ी अलग ही दिखूंगी, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। और एक चीज दिखाती हूँ साहिल को, वूफी ने क्या किया है, इसने ऐसे नॉर्मल ये देखो वूफी क्यों मारा तूने साहिल को, वो तेरे को इतना प्यार करते हैं, और साहिल सैड भी इसीलिए थे क्योंकि वूफी इतने दिन से ढंग से खाना नहीं खा रहा है, खा रहा है लेकिन उल्टी सीधी चीजें खा रहा है, अपना हेल्दी खाना नहीं खा रहा है, तो इसीलिए साहिल सैड थे। मैं जा रही हूँ, साहिल आप चल रहे हो? चल लो ना, इसको पूल में नहीं जाना, वो तो ठंडा लग रहा है पानी। इस रिजॉर्ट में ऐसे रूम भी मिलेंगे आपको, पर हमने फैमिली स्वीट कॉटेज लिया हुआ है तो, बट ये भी बहुत सुंदर है, सेम ही है इंटीरियर, अंदर से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे ये अलग अलग ऐसे बने हुए हैं, नाइस। ये प्रॉपर एक एक आपको मिलेगा, अगर पूरा कोई ग्रुप आना चाहता है तो ऐसे ले सकता है, ये भी अच्छा है। यार वूफी कहाँ गया, और उधर भी ऐसे एक कुछ ट्री हाउस टाइप में बने हुए हैं, पूरा दिखाऊंगी अच्छे से, अभी एक बार वूफी को ढूंढती हूँ। लिया वूफी तेरे को कहाँ भाग, पता कहाँ भाग गया था, उस साइड जा ना पूल में, नहीं जा रहे, ओ नहीं जा रहे हम पूल में, बस नहीं जा रहे, अपने बेबी को अभी सुखा देंगे, ठीक है? कम 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 सुना जयगो सुन ये अंदर नहीं लेके जा रहे, ठीक है? पूल में नहाने के बाद
रियल शार लिया है और उसके बाद मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है और अभी मैं हेयर वॉश करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि इनको सुखाना सुलझाना एक बहुत बड़ा काम है। तो इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता है, लेकिन और आज आपको बताना था कि मेरी और विवेक की फ़ाइट हो गई है और किस बात पर हुई है। बहुत सीली सी बात है कि रात को जब हम जंगल में बहुत ज़्यादा फंस गए थे और मैं अलग गाड़ी में थी वो अलग गाड़ी में था, तो वो बार बार कॉल करके ये बोल रहा था कि शिल्पा, उसने मुझे बस इतना बोला कि शिल्पा देख रात बहुत हो गई है, गाड़ी के शीशे बंद कर लो और ना ज़्यादा शोर मत करना और आराम आराम से चलना। मैंने कहा तू डरा मत यार, पहले ही ऑलरेडी हमें इतना डर लग रहा है। तो उसने मेरे को ऐसे बोला कि तुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा एक तो शाउट मत कर, और ऐसे करके हमारी आर्ग्यूमेंट हुई और बस फिर थोड़ी सी फाइट हो गई। उसके बाद हम दोनों अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो आज उसको पहले मनाती हूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि वो माना है या नहीं माना है। लेकिन अभी पहले अपने बाल सुलझा लूँ और फिर इनको कॉम कर लूँ और उसके बाद आपके पास आती हूँ। ओके ये ना एक कंडीशनर है, अगर आप जब ऐसे कहीं ट्रिप पे आते हो टाइम नहीं होता कि हेयर वॉश करके कंडीशनिंग करें फिर अच्छे से, तो आप बस इसका स्प्रे कर लो, वॉश करने के बाद सेम वही हो जाते हैं बाल जैसे कंडीशनर करके होते हैं। हेयर वॉश करने के बाद ये सीरम लगाना है, वो कंडीशनर तो लगा ही लिया उसके बाद सीरम लगाना है ताकि थोड़े हेयर जो आपके अच्छे से हो जाए। मैं आज पूरे एक नहीं मैं पूरे 2 साल बाद खुद से मैंने हेयर वॉश करे। पहले तो मैं खुद ही करती थी, छोटे हो गया ना बाल, पहले तो बहुत लॉन्ग हुआ करते थे बहुत। अभी डिफरेंस दिखाऊंगी आपको कि घर में हेयर वॉश करते हैं ना तो हेयर कैसे हो जाते हैं और बाहर कराते हैं ना तो उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि वो अच्छे से सेट कर देते हैं और मेरे को वीडियो बनानी होती है, सब कुछ करना होता है तो वो ज़्यादा सही लगता है, इसलिए मेरे को टाइम की भी बचत हो जाती है और मेरे बाल भी अच्छे हो जाते हैं। सो गाइज मेरे हेयर जो है वो मैंने सुलझा लिए हैं और नॉट बैड कि इतने टाइम बाद मैंने खुद से काम किया और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मतलब गीले बालों में मैं पूरे प्रॉपर ड्रायर से नहीं सुलझा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो बस इतना सा ही डिफरेंस रहता है कि थोड़े से ना ऐसे बाउंसी रहते हैं घर पे और वहां जाते हो तो वो थोड़े सेटल कर देते हैं, मतलब सेटल कर देते हैं पूरे अच्छे से। बट अब हम जाएंगे डिनर करने और आज डिनर में कुछ स्पेशल मेन्यू होने वाला है, तो आपको बताऊंगी कि क्या मेन्यू है। और विवेक के साथ जो मेरी फाइट हुई है बात कर नहीं रहा है, दोबारा मैं गई थी पूल में उसको देखने तो मैंने उसको बोला कि क्या खाएगा तो उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब देखती हूँ डिनर टाइम पे वो मुझसे बात करेगा या नहीं। सब चले गए हैं, मैं अकेली रह गई हूँ और ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोगों को खाना खाना है इसी रिजॉर्ट का। मुझे तो ये आवाज़ अच्छी लग रही है, देखो उसको समझाना, पहले उसने बोला दोनों को ही बोला है, दोनों को मतलब भी देख के बोला, देख तो मैं चिकन की तरह ही रहा था तो चिकन को बोल रहा हूँ। खाने को छोड़ा इसने, कहाँ पे लटकी होती है इनमें पेड़ में ना। सो गाइज खाना वाना हमने खा लिया था और अब सब सोने लगे हैं, इवन सब सो ही गए हैं, बस मैं बाय करने आई थी आप लोगों को। और जो मेरी विवेक से फाइट हुई थी वो हमारी सॉर्ट आउट तो हुई नहीं है क्योंकि वो बहुत जल्दी खाना खाकर सबसे पहले आकर सो गया है, तो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी कि क्या हुआ था क्या नहीं, तो इसके लिए आपको कल देखना पड़ेगा व्लॉग। आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में।